अगर आप भी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहां आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है या फिर कह लीजिए SSC मेमो नंबर, ठीक है। तो जब मैं भी फॉर्म फिल करने गया तो मैंने देखा कि मुझे SSC मेमो नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट नंबर। तो मैं अपना सर्टिफिकेट निकाला, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा था कि यही आपका सर्टिफिकेट का नंबर है। 4-5 नंबर थे, जिसमें से एक रोल नंबर भी था और 3-4 नंबर था, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना YouTube देख लिया जाए, वहाँ पर तो किसी ने डाला होगा। तो मैंने जब YouTube देखा तो यहाँ मैं देखा कि 5-6 लोग वीडियो बना के रखे हैं और सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि आपका रोल नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, मेमो नंबर है, कोई दूसरा दिखा रहा है, कोई तीसरा। तो मैंने सीधा बोर्ड में कॉल किया है, ठीक है। तो मैंने जो बोर्ड में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे जो बताया है मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो जो भी बोलेंगे पूरा 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट को अपने सामने रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बाएं की तरफ यहाँ आपको एक नंबर देखने को मिलेगा और फिर नीचे की तरफ एक नंबर देखने को मिलेगा और दाएं की तरफ ऊपर यहाँ एक नंबर देखने को मिलेगा और यहाँ नीचे एक नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 4 नंबर दिख गया। अब इनमें से आपका सर्टिफिकेट का नंबर कौन सा है, ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए जो प्रेसिडेंट के नीचे एक नंबर होगा, ठीक है, यही नंबर आपका सर्टिफिकेट नंबर है और यही नंबर है SSC मेमो नंबर। ये मैं कोई हवा में चलने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में फ़ोन किया था और उनसे बात करके ये कन्फर्म किया है कि यही है सर्टिफिकेट नंबर और मेमो नंबर, ठीक है। आप खुद चाहे तो कॉल कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नंबर आप चाहे तो गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वो नंबर डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं, यहां प्रेसिडेंट के नीचे आपको जो नंबर मिलेगी यही है आपका SSC मेमो नंबर या फिर कह लीजिए आपका 10th का सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा या फिर आप चाहें तो बोर्ड में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके आप चाहें तो कन्फर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।